खरगोन में नेशनल हाईवे स्थित ठिकरी बाईपास रोड पर शुक्रवार शनिवार तड़ाके 4 बजे के करीब नेशनल हाईवे पर एक चलती बस में आग लग गई, जिससे बस जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल की ओर जा रही बर्मा बस क्रमांक MP04PA0693 चलती बस में अचानक बस के पहिए में बैरिंग टूट गया, जिससे घर्ष के कारण आग लग गई। स्लीपर बस में स्टाफ सहित 15 लोग सवार थे। आग लगने की घटना के बाद बस में बैठी सवारी को सुरक्षित निकाल दिया गया, जिसमें बस को ड्राइवर द्वारा रोड के साइड से रोका गया। जब तक बस में आग लगने से बस धू धू कर जलने लगी, वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, वही ठिकरी सहित दामनोद से फायर ब्रिगेड पहुंची, जब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। बताया गया कि बस में पीछे डिक्की में अनार और अंगूर भरे हुए थे, जो जलकर राख हो गए। भोपाल की ओर बस के द्वारा ले जाए जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, सवारियों को दूसरी बस में व्यवस्था कर पहुंचा दिया। राहुल राठौड़, क्या करते हैं आप? फायर ब्रिगेड से लगा नगर परिषद में। रात को जो बस में आग लगी, किस टाइम की बात, आपको कब सूचना मिली? सुबह चार बजे हाँ। आप गए थे वहाँ पर फायर फाइटर लेके? जी, फायर फाइटर लेके गया था। मौके पर जाकर ठिकरी थाने सूचना मिली थी मेरे को। अच्छा, ठिकरी थाने से सूचना मिलने पर मैं मौके पर जाकर फायर फाइटर लेकर आग पर काबू पाया। अच्छा, बस की कंडीशन तो दिख रही पूरी जली हुई है। हाँ, पूरी जली। बस में सवारी कितनी थी? सवारी 12-13 बता रहे। बाकी सब मतलब अंगूर और अनार भरे हुए ना? हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।